दोस्तों आपका स्वागत है गैज ब्रिज हिंदी में, मेरा नाम है सलाफ। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग वन प्लस के 11 की। आ गया है वन प्लस 11 इंडिया के अंदर भी, सारी खूबियां जानेंगे, इसका क्विक कैमरा टेस्ट भी करेंगे इसी वीडियो के दौरान, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। पर उससे पहले दबाइए वो सब्सक्राइब के बटन का और उसके बाद दबाइए वो बेल आइकन। अगर आप हमारे को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमारे को फॉलो करना ना भूलिएगा। आइए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है वन प्लस 11 का बॉक्स, हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी नीचे दी हुई है, दोनों तरफ वन प्लस लिखा हुआ है। पीछे की तरफ आएंगे तो कुछ खास नहीं है, तो ओपन करके देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ओपन हो गया वन प्लस 11 का बॉक्स, सबसे पहले लेयर के अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। नेबल सेट लिखा है यहाँ पर ऊपर, इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर है वेलकम गाइड है, अगेन रेड केबल क्लब का कार्ड भी दिया हुआ है, सिम इजेक्टर टूल भी यहीं पे दिया हुआ है और साथ ही में एक केस भी। ब्लैक कलर का केस है, सिलिकॉन जैसा लग रहा है, अच्छा है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन को। उसके बाद है द वन प्लस 11 इटसेल्फ। तो इसके रैप में से मैं इसको निकाल के लिख रहा हूँ अभी दो मिनट के अंदर, तब तक देख लेते हैं आपको बॉक्स के अंदर और क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो अगली लेयर की तरफ चले तो यहाँ पर है इसका सुपर फास्ट चार्जर, एक बहुत ही फास्ट चार्जर आपको 100 वॉट्स का जो सुपर वूक फास्ट चार्जिंग है वो आपको साथ में मिल रही है, और उसी के साथ द रेड केबल, वन प्लस की जो रेड केबल है चार्जिंग केबल, एक आइकॉनिक चार्जिंग केबल बन चुकी है, तो ये केबल आपको साथ में मिलती है इन द बॉक्स। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें मिल रही है आपको वन प्लस 11 के बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी अनबॉक्सिंग वन प्लस 11 की, अब बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की और साथ ही बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी, उसी के बाद इसका प्राइस। तो दोस्तों जैसा कि आपने सामने देख सकते हैं स्टार्ट हो गया वन प्लस का 11। स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर के साथ, डिज़ाइन के साथ। तो सामने आपको एक लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट एच टू एच है, कर्व डिस्प्ले है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रही है। ऊपर कटआउट के अंदर आपको यहाँ पर इसका सेल्फी कैमरा भी दिया गया है, और पहले से ही जो वन प्लस की टीम है उसने पहले से ही इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के दिया है। तो ओवरऑल सामने का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। राइट साइड की तरफ चले तो यहाँ पर आपको इसका पावर बटन मिल जाता है और उसी के साथ है रिंगर की भी। जी हाँ, जो रिंगर अलर्ट का स्लाइडर है वो वापस आ चुका है। लेफ्ट साइड की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको इसकी वॉल्यूम रॉकर की मिलती है। बॉटम की तरफ आएंगे यहाँ पर इसकी सिम इजेक्टर ट्रे है और साथ ही में है प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और उसके साथ है एक स्पीकर ग्रिल भी। टॉप की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक और माइक्रोफोन दिया गया है। बैक की तरफ चलते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बैक है, ब्लैक कलर में बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, जो नाइट का टेक्सचर होता है वैसा ही, अगर आप नाइट स्काई को देखोगे हल्के हल्के स्टार्स वैसा ही कुछ इसका टेक्सचर दिया हुआ है। वन प्लस की ब्रांडिंग है, ऊपर एक कटआउट के अंदर, सर्कुलर कटआउट के अंदर, जी हाँ सर्कुलर कटआउट के अंदर जो है कैमरा दिए हुए हैं, कैमरा बम्प हल्का सा जो है प्रोट्रूडिंग है थोड़ा सा ऊपर जो है, टू स्टेप्स में है, वन और टू स्टेप्स में है, साथ ही में हैसलब्लैड की ब्रांडिंग और उसके साथ है LED फ्लैश भी। फ्रंट की तरफ अगर वापस आऊँ तो यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। चलिए अब इसका वेट टेस्ट भी कर लेते हैं, कितना भारी है फ़ोन देख लेते हैं, देख लेते हैं कितना भारी है वन प्लस 11। तो 206 ग्राम है अभी इस स्मार्टफोन का वेट, 207 हो जाएगा अगर आप इसके अंदर सिम कार्ड भी डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, साथ ही में इसका प्राइस भी। दोस्तों बात करते हैं वन प्लस 11 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की स्क्रीन के साथ। यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, FHD प्लस स्क्रीन है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस इसके ऊपर लगा हुआ मिलता है, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, LTPO3 फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, 1 बिलियन कलर्स का गैमेट है यहाँ पर, 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट जाता है। इनसाइड की बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मिल जाएगा, क्वालकॉम का है, ऑक्टा कोर चिपसेट है, 3.2 गीगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड जाती है,
जो GPU है वो Adreno 740 का है। RAM और ROM की बात की जाए तो 512 GB तक की आपको स्टोरेज मिल जाती है और 16 GB तक की आपको RAM मिल जाएगी। UFS 4.0 यहाँ पर सपोर्टेड है। अब नज़र डाल लेते हैं इसके कैमराज पे, तो आपको पीछे की तरफ 3 कैमराज मिलेंगे। 50 MP का वाइड एंगल है, 32 MP का टेलीफोटो है और 48 MP का अल्ट्रा वाइड है। Hasselblad की कलर कैलिब्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 8K पे आप यहाँ पर वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 24 FPS। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 16 MP का यहाँ पर कैमरा मिल जाता है। अपर्चर साइज है 2.5। ऑटो HDR पैनोरामा जैसी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, बट यहाँ पर आप वीडियो सिर्फ 1080p में मतलब फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। डुअल वाईफाई और वाईफाई 7 भी सपोर्टेड हैं। अब अगर बैटरी पर नज़र डालें तो 5000 mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाती है जो कि सुपर फास्ट चार्ज की जा सकती है। अब कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस की बात। तो जो नीचे का मॉडल है 8 GB वाला वो आपको मिलेगा 56999 का, और जो ऊपर का मॉडल है 12 GB वाला, रैम जिसमें आती है 12 GB की, वो आपको मिलेगा 61999 का। दो कलर्स में अवेलेबल है, इटर्नल ग्रीन एंड टाइटन ब्लैक। जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये इसका ब्लैक कलर है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, डॉल्बी विजन और डॉल्बी ऑडियो दोनों यहाँ पर सपोर्टेड हैं। तो दोस्तों अगर नज़र डाली जाए इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 13 मिल रहा है जो कि लेटेस्ट OS है OnePlus द्वारा। उसी के साथ आपको यहाँ पर Android वर्जन 13 मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन OS Android वर्जन 13 पे लगाया हुआ है। ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, 16 GB RAM आपको यहाँ पर मिलती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मूथ लग रहा है। जो भी चीज़ें हैं एकदम अच्छी तरह चल रही हैं। इट इज़ क्वाइट नाइस, क्वाइट स्लिक, एकदम स्मूथली सारी चीज़ें चल रही है। हाई हर्ट्स की जो स्क्रीन भी है वो अभी आपको मिलती है, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी नाइस, बढ़िया। थोड़ा सा ब्लोटवेयर देखने को मिल रहा है जो कि हाँ कम हो सकता था, बट फुल रिव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो ऑन gadgetbridge.com, तो वहाँ पर जाके ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अब कर रहे हैं हम इसका क्विक कैमरा टेस्ट। 3 इमेजेस क्लिक करके देखते हैं, इनडोर्स, आउटडोर्स और इसके सेल्फी कैमरा के साथ। देखते हैं कैसी है इसके कैमरास की परफॉर्मेंस। दोस्तों अब कर लेते हैं OnePlus 11 का क्विक कैमरा टेस्ट भी। नेटिव ऐप के अंदर आ गए हो, पहले मैं आपको मोड दिखा देता हूँ क्या क्या मिलते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो है, नाइट मोड भी है यहाँ पर। और मोर के अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे और मोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि टाइम लैप्स भी है, ड्यूअल व्यू भी है। बट प्रो मोड में चलते हैं, Hasselblad का जो लेंस है उसके साथ हम ये क्लिक करके देखते हैं कैसी आती है इमेज यहाँ पर। गुड स्टूडियो लाइट्स हैं, एक इमेज क्लिक करके देखते हैं कैसी आ रही है। दिस इज़ दी क्लैरिटी, और ऐसी आई है इमेज, बहुत ही बढ़िया आई है। शार्पनेस बहुत अच्छी है, जो एज भी है वो भी अच्छी तरह डिटेक्ट किया है इस कैमरे ने। मेरे को बहुत अच्छी लगी है इमेज, आपको कैसी लग रही है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, दो और इमेजेस क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फी एंड आउटडोर। ओके, मैंने दो और इमेजेस क्लिक कर ली हैं, स्टार्ट करते हैं सेल्फी के साथ। तो ऐसी आई है कुछ सेल्फी, नॉट बैड, क्वाइट नाइस, कलर्स भी क्लोज टू लाइफ है, स्किन टोन भी एकदम ठीक है, हेयर स्टैंड भी अच्छी तरह देख रहे हैं। और ये है बाहर जो मैंने अभी क्लिक करी है, अच्छी सनलाइट है, डे टाइम हो रहा है, तो ओवरऑल इमेज ठीक है। कलर्स हल्के से बेटर हो सकते थे, हल्के से और बेटर होते, थोड़े से वाइब्रेंट और हो सकते थे, तो अच्छी लगती, और भी अच्छी लगती इनफैक्ट ये इमेज। आपको कैसी लग रही है ये इमेजेस मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फुल कैमरा रिव्यू ऑन gadgetbridge.com, तो वहाँ पर जाके आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की जैसे आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फेसबुक पर भी फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पर भी हैं हम, तो हमारी लेटेस्ट पोस्ट आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं gadgetbridge हिंदी। मैं आपसे मिलूँगा अगली बारी।